आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। साथियों, जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। महाराष्ट्र की धरती गवाह है, आजादी की लड़ाई में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणपति उत्सव भारत की एकता का उत्सव बन गया था। गणेश उत्सव में हर समाज हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की जिस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वैन में कैद करवा दिया। महाराष्ट्र गणपति की आराधना करीत होता आणि कर्नाटकात गणपति की मूर्ति पोलीस वैन मध्ये होती। साथियों, पूरा देश गणपति के इस अपमान को देखकर आक्रोशित है। मैं हैरान हूं इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है, उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि गणपति के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है। भाई और बहनों, हमें एकजुट होकर कांग्रेस के इन पापों का जवाब देना है। हमें परंपरा और प्रगति के साथ खड़ा होना है। हमें सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है।